हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पहुंच चुके हैं फाइनली स्नो लैंड में, जो कि रांची के रिंग रोड में खुला है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कितने का टिकट प्राइसेस है और क्या कुछ है यहाँ और कैसा लगता है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ टिकट काउंटर 800 पर पर्सन बच्चे का सेम है, 5 लोग हैं। तो अभी मौजूद हैं, ये है गढ़ खटंगा रांची का, तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये है रिंग रोड गढ़ खटंगा और ठीक इसी के बगल में यहाँ पर स्नो लैंड। ये है इनका स्नो ड्रॉप रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। अगर खाना नहीं खाना चाहें तो भी आप बैठ सकते हैं। एक तरह से कहें तो इनका वेटिंग हॉल एरिया है। तो फिलहाल बाहर का टेम्परेचर है लगभग 38 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर अभी 38 है, और देखते हैं अंदर का एक्सपीरियंस कैसा है। ये मेरा फर्स्ट किसी भी स्नो लैंड या स्नो पार्क, पहला है ये मेरा। थैंक यू। इसमें सूज सारा कोई? हाँ भाई, अंदर सूज देगा। चलो सूज खोल लेते हम लोग। सब ध्यान रखना, ले लीजिएगा। मोजा भी निकाल देना। नहीं, मोजा नहीं दीजिए, मोजा जरूरी है? नहीं जरूरी है, आप लोग ऊपर हैं। हाँ तो ठीक है, पहन दीजिए। सॉक्स भी चलेंगे? ठीक है, 05 05। चलो पुश करो। पहुंच चुके हैं अंदर, देखिए अंदर का इंटीरियर कुछ ऐसा है। ये टिकट 4 लोग, सिर्फ जैकेट मिलेगा और जैकेट, बूट्स, नीचे ट्राउजर भी, ट्राउजर नहीं, लॉकर। आप लोगों का सबसे सॉक्स है सबके पास? हां सॉक्स है। ठीक है, शू साइज बताइए। शू साइज 3 मेरा 7 6 जैकेट काफी हेवी नहीं है, मगर बहुत ज्यादा हेवी नहीं, नॉर्मल जैकेट की तरह है। पटलेट में बहुत सुंदर लग रहा है। कहाँ लग रहा है यार, ऐसे फूला फूला लग रहा हो, लग रहा हो कि मैं पहलवान नहीं, फूला पहलवान। गाड़ी चाबी कहाँ रखूँ भाई? चलो तुम पहनो, तुम जैकेट पहन करो, मैं तुम्हारा देता हूँ। चलो ग्लव्स पहनो। क्यूटी कहाँ गई? दी दी, आप नंबर 100 दे दो ना प्लीज। पहली दफा नहीं पसंद के लगा कुछ कुछ। चलो लेट्स गो, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन स्नो लैंड। क्यूटी वाओ, ये स्नो तो नहीं है यार, ये तो नहीं, अंदर रहेगा। अच्छा नहीं, हाँ पर अच्छा लग रहा है पापा जी, सब लग रहा है। दो दो तीन तीन पांच पांच टन का तो एसी लगा हुआ है। हाँ हाँ, उधर से निकलेंगे ना, बोल दिए नहीं मानेंगे आपकी बात। बेस्ट व्यू रूम है उधर, ये स्नो लैंड। कम ऑन कम ऑन, वाओ ठंडा लग रहा है यार, ये तो बर्फ। सो दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन स्नो लैंड, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यार। मुझे तो लग रहा था बाहर गर्मी लग रहा था जैकेट में, अभी ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। आहा, इसमें क्या है? केव है, केव, गुफा है। ये तो केव है, केव है, गुफा है। क्यूटी, हम लोग केव में आ गए, गुफा में। आइस केव, ये आइस है क्या है भाजी? बर्फ तो नहीं लग रही है? नहीं बर्फ नहीं है, कोई बर्फ नहीं है ना। ये थर्मोकोल का शायद, हाँ वैसा ही है ना। हाँ।
ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा ही है, मगर हाँ ठंड भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, और एक्सपीरियंस पूरा मनाली वाला है। इधर से जाने का स्लाइड एक ही तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर स्लाइड की तरफ। ठंड बहुत ज़्यादा है, मगर पापा लोग तो पहले भी आ चुके हैं, तो पापा लोग बोल रहे हैं कि मुंबई के कंपैरिजन में रेट भी ज़्यादा है, डबल है। मुंबई में 400 का करीब है, यहाँ करीब 800 ले रहे हैं, तो रेट भी डबल है। और वैसा कुछ है भी नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल स्लाइड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। तो फिर भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ठीक है मेरा, जो लोग पहले जा चुके हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ रुकिए रुकिए, आगे ट्यूब पे बैठ गया, ट्यूब पे बैठे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, पीछे लेट जाएंगे। हाँ ठीक है, छोड़ दे। हाँ वायर हटाइए। तो आप लोगों ने देखा यहाँ स्नोलैंड का प्राइस के हिसाब से, उस हिसाब से जैसा कि बड़े शहरों में बनाया गया है वैसा कुछ भी नहीं है, पर ठीक है, वन टाइम विजिट कर सकते हैं सभी लोग, और रांची के लिए बहुत अच्छा ही है। और गर्मी का महीना चालू हो रहा है तो ऑब्वियस सब लोग आकर देख सकते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, और आप सभी भी आइए, आकर यहाँ एक्सपीरियंस कीजिए, इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, और शेयर कीजिए आपको ये जगह कैसा लगा। अगर मुझसे पूछा जाए रेट करने के लिए 10, तो आउट ऑफ 10 मैं 7.5 तो जरूर दूंगा, क्योंकि हमारे रांची में ये पहला है तो देना बनता है बॉस। और सब लोग आइए एक बार, देखिए आकर विजिट कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए सफर पे, नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए सबा खैर, शुभरात्रि, बाय बाय।